डीएम ने शेरघाटी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को लगाई कड़ी फटकार। गया के जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने रविवार को शेरघाटी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ज्योति श्रीवास्तव को कड़ी फटकार लगाई है। शेरघाटी में सैनिटाइजेशन के काम में सुस्ती की बात सामने आने पर उन्होंने मौके पर मौजूद ईओ को कहा कि 3 दिनों के भीतर यदि सैनिटाइजेशन शुरू नहीं किया गया तो सीधे FIR कर देंगे। बता दें कि शेरघाटी शहर में इस वक्त 200 से भी अधिक कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं। शहर में 15 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इससे पूर्व नगर परिषद की मुख्य पार्षद लीलावती देवी के प्रतिनिधि विनय प्रसाद ने डीएम को बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग नहीं करने के कारण यह स्थिति बनी है। बोलो नहीं चाह रहा है, पुलिस से बोल दिया तो भंगड़ा से कर लिया। हमें ठीक है, नगर पंचायत से सैनिटाइजर नहीं होगा, पानी बताते हैं। आप उनसे रिपोर्ट करना चाहिए ना, फायर वाली गाड़ी से टेली हो रहा है। अरे फायर वाली गाड़ी अगर दिया ठीक है, नगर पंचायत क्या कर रहा है यहाँ पे? टेली हो रहा है सर, फायर वाली गाड़ी से टेली सैनिटाइजेशन हो रहा है। फिर वही बात हम कर रहे हैं, नगर पंचायत गाड़ी क्या कर रहे हैं आप सर? बाकी नगर पंचायत फायर नहीं यूज कर रहा है आपके यहाँ गाड़ी? नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ जो था पिछले साल खराब हो गया। फायर कर लिया कीजिए ना, फायर से बोल के सर क्या कीजिए सर, हम लोग सर फायर कर लीजिए। जिस महीने पर तो बैठक हुआ सर, जो पिछले बार जिनको हायर किए थे, पांच बार पत्र लिखने के बाद तो बैठक हुआ सर, क्या कर 3 दिन के अंदर अगर नहीं शुरू हुआ हमारा फायर, तो आपको बताइएगा 3 दिन का एक एक फायर की गाड़ी से सैनिटाइजर नहीं होता, पूरा नगर पंचायत में सैनिटाइजर होता है। पिछली बार सर बड़ी गाड़ी दे दिए थे फायर से, बड़ी छोटी दोनों दी है, बहुत अच्छा किए पिछले बार। हम फिर कह रहे हैं फायर हमारा प्रायोरिटी नहीं है सर, ये टैंकर लेंगे, पंप लेंगे, स्प्रेयर स्प्रेयर लेंगे, जो भी लेना है, एक सक्शन है, कटिंग मशीन आता है वो लेंगे, जल्द भी करना है ये करवाएंगे। पता कीजिए बोलिए कैसे कर रहा है।